वेलकम बैक एवरीवन। सॉरी, मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं ये वेबसाइट में लगा हुआ था। जो मेरी ओल्ड वेबसाइट थी वो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच बंद करनी पड़ी, और मैंने पूरा डेटा इधर ट्रांसफ़र किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो इधर आप देख सकते हो, कोलरैक पार्टी भी कवर किया हुआ है, फिर एक रिविजन टेस्ट है, AIS टाइप्स ऑफ शिप और शिप स्टेबिलिटी की डेफिनेशन से रिलेटेड। तो आप लोग आके इधर पे ये सब स्टडी कर सकते हो। और सबसे पहले तो आप ये सब्सक्राइब कर दो ताकि न्यू मॉड्यूल जो है वो आप सबसे पहले देख सको, पढ़ सको। मैं सबसे पहले मॉड्यूल इधर डालूंगा, फिर उसके ऊपर सपोर्टिव वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा कि मैंने इधर पे ये टाइप्स ऑफ शिप का मॉड्यूल डाल रखा है, तो आज हम लोग यही कवर करने वाले हैं। ओके, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ ये मॉड्यूल के बारे में। हम लोग शिप्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सब पांच टाइप की शिप होती है, वो इंट्रोडक्शन में बताएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो पांच टाइप के शिप्स के डायग्राम्स और उससे रिलेटेड नोट्स। ओके, Types of ships. In this module, we are going to see different types of ships. One. General cargo. 2. Double hull tanker. 3. Cellular container. 4. Gas carrier. 5. Ro-ro vessel. तो ये पांच टाइप की शिप्स होती है। जनरल कार्गो शिप होती है, डबल हल टैंकर होता है, सेलुलर कंटेनर होता है, गैस कैरियर होता है और रो रो वेसल होती है। ये बेसिक पांच टाइप की शिप्स होती है जो हमारे मर्चेंट नेवी में यूज़ होती है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो, और जूम कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग सबसे पहली टाइप की शिप देखते हैं अभी, जनरल कार्गो शिप। तो वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। General cargo ship. General cargo ships are generally smaller than the ships devoted to the carriage of bulk cargo. ओके, तो जनरल कार्गो शिप्स बेसिकली ज़्यादा बड़ी नहीं होती, साइज़ में छोटी सी होती है। और जनरल कार्गो शिप्स अभी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा चलती है, जैसे कि इंडिया टू चाइना, चाइना टू इंडिया, इतना ज़्यादा बस वो कोस्ट में ही रन होती है। इंडिया से श्रीलंका तक आपको देखने मिल जाएगी, फिर ऐसी कोस्टल एरियाज़ में आपको बहुत देखने मिल जाएगी। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कार्गो कैरी कर सकते हैं, देख सकते हो आप, नंबर ऑफ होल्ड्स है इधर, इसका खुद का गेयर है, लिफ्टिंग गेयर्स है, ये अकोमोडेशन है, ये ऊपर ब्रिज है, ये फनल है। ओके, ये इंजन रूम रहता है इधर, मशीनरी स्पेस के इधर, क्राफ्ट पीक, ये सब। तो ये डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको ये डायग्राम चाहिए ये सिंपली इस पर राइट क्लिक करो और सेव इमेज कर लो, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अभी हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ शिप देखेंगे, डबल हल टैंकर। Double hull tanker. A double hull tanker refers to an oil tanker which has a double hull. They reduce the likelihood of leaks occurring compared to single hull tankers, and their ability to prevent or reduce oil spills led to double hulls being standardized for oil tankers and other types of ships, including by the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships or MARPOL Convention. अगर आपको मारपोल मालूम है तो बहुत अच्छा है, अगर जिसको नहीं मालूम है तो एक बेसिक आइडिया देता हूँ। मारपोल है मरीन पोल्यूशन कन्वेंशन है, तो मरीन पोल्यूशन से बचना कैसे और अगर हुआ तो क्या चार्जेस है वो सब बताता है वो कन्वेंशन में। तो डबल हल टैंकर, इसमें एक मिनट, इधर पे ये अच्छे से डायग्राम है नहीं, मैं चेंज करवा दूंगा। और अगर चेंज नहीं भी किया हो, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो एक याद रखना कि इधर एक और लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ओके, तो वो डबल हल बन जाएगा। डबल हल इसलिए लिखा था कि अगर लीक होता है तो वो लीक जो है वो डायरेक्ट सी में नहीं जाए, वो इधर पे ही शिप में ही रह जाए। अगर जैसे
हम लोग का ग्राउंड हो गया शिप, तो ये नीचे वाला हल है वो हम लोग का डैमेज हो जाएगा, पर जो पानी है वो इधर तक ही भरेगा, वो सीधा कार्गो में एंटर नहीं करेगा, जिसकी वजह से कार्गो डैमेज नहीं होगा। ओके, तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेलुलर कंटेनर। सेलुलर कंटेनर। A cellular vessel is a container ship specially designed for the efficient storage of freight containers, one on top of other, with vertical bracings at the four corners. The majority of vessels operated by maritime carriers are fully cellular ships. आप लोगों को पता ही होगा कि कंटेनर वेसल जो होती है वो वन टाइम में मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा ही, नॉर्मली वो 15,000 टू 25,000 कंटेनर्स एट अ टाइम कैरी करती है। तो इसका जो प्लान बनता है तो वो ऐसा रहता है कि कंटेनर्स हम लोग इसके डेक के ऊपर भी रखते हैं और विद इन द होल्ड भी रखते हैं। तो ये देख सकते हो नंबर 3 होल्ड, नंबर 2 होल्ड, ये सब, और ये ऊपर भी रखते हैं हम लोग ओवर द हैच कवर, इसे हैच कवर बोलते हैं। ये जो डेक कवरिंग है हम लोग की, वो ओपन जो होल्ड कवरिंग बोलते हैं, सॉरी होल्ड कवरिंग है, उसे हम लोग हैच कवर्स बोलते हैं। हैच कवर के ऊपर भी हम लोग ये रखते हैं कंटेनर्स। ओके, तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये पांच में से कोई ना कोई एक डायग्राम तो आता ही है एग्ज़ाम में, तो इसे भी सेव कर लेना। और इधर देख सकते हो, इधर डबल बॉटम उसने बनाया हुआ है, तो इस टाइप से आपको एक दो लाइन बनानी है नीचे होल्ड्स के नीचे। Gas carrier. A gas carrier, or gas tanker, is a ship designed to transport LPG, LNG, CNG, or liquefied chemical gases in bulk. Okay, तो इस टाइप से गैस कैरियर होता है, LNG टैंकर बताया इधर। तो LNG टैंकर जो है इधर पे, ये जो है ये एरिया, ये जैसा गैर जैसा दिख रहा है, ये कंप्रेसर रूम है, हाँ, और ये बंकर टैंक है, बंकर इधर रहता है, इसमें दो बंकर रहते हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द शिप्स में दो बंकर रहते हैं। इधर पे ये इंजन रूम है, ठीक है, ये एलएनजी टैंक्स रहते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा ये लाइट वेट मटेरियल से बने रहते हैं। रो रो वेसल, रोल ऑन स्लैश रोल ऑफ, Ro-ro or Ro-ro ships are cargo ships designed to carry wheeled cargo, such as cars, trucks, semi-trailer trucks, trailers, and railroad cars, that are driven on and off the ship on their own wheels or using a platform vehicle, such as a self-propelled modular transporter. आप लोगों ने बहुत सारी पुरानी मूवीज में देखा होगा कि रोरो वेसल रहती है जिसमें हम लोग गाड़ियाँ भी ले जाते हैं, अभी भी बहुत सारी चलती है, क्रूज टाइप रहती है, जिसके नीचे जो रहता है लोअर डेक वो सब में, इधर क्या रहता है, इधर गाड़ियाँ रहती है और डेक और अपर डेक में वो रहता है लोगों के लिए रहने की जगह रहती है, और ऊपर सब इन लोग की लग्जरी वो सब रहती है। Summary. In this module, we learned about different types of ships. तो हम लोगों ने ये 5 टाइप्स के ships देखी हम लोगों ने, तो ये 5 टाइप की ships जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम सारे डायग्राम प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड एंटर द ईमेल एड्रेस टू गेट द नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, या फिर आप लोग यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो, ये यहाँ से यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो आप डायरेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़।